फ्रेंडली सैंड में केंद्र स्थान में पड़ा हुआ है और रेट्रोगेड है, और ये डेट को 13 अप्रैल 1942 को बराबर जुपिटर जातक का रेट्रोगेड स्टार्ट हो जाता है। यहाँ जुपिटर एट एज ऑफ 33 जुपिटर स्टार्ट रेट्रोगेड मूवमेंट। जन्म कुंडली में डायरेक्ट था वो रेट्रोगेड स्टार्ट हो गया, जो कुंडली में एक्सोल्टेड था रेट्रोगेड स्टार्ट हो गया। ऐसे लॉर्ड ऑफ 211 और 1975 उसकी एज आती है, तो 1975 से आप समझ सकते हैं उसका दीवार पिक्चर के सोलह पिक्चर के साथ क्या बूस्टिंग हो गई उसकी, क्या कहाँ से पहुँच गया। सैटर्न रेट्रोगेड एज इट इज है, बराबर है, जुपिटर भी एज इट इज है, लेकिन जैसे रेट्रोगेड मूवमेंट स्टार्ट किया उसने रिजल्ट अपना काम स्टार्ट कर दिया, नॉन स्टॉप चालू है। तो जैसे बताया कि गुरु एक बार रेट्रोगेड हुआ तो अराउंड 121 डेज रेट्रोगेड रहता है, तो उसका जैसे वो फेस खत्म हो गया, स्ट्रगलिंग फैक्टर शनि का एस्पेक्ट था गुरु पे, बराबर है। तो श्री दृष्टि जैसे रेट्रोगेड स्टार्ट हो गया, लॉर्ड ऑफ 211 इज एक्सोल्टेड साइन इन सिक्स्थ हाउस, बराबर है, उसने अपना काम चालू कर दिया। तो यहाँ रेट्रोगेड होते हुए जैसे हम बोलते हैं खाड़ा के स्थान में पड़ा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं करता है, जिसने रिजल्ट अपना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वो फैक्टर्स कैसे मालूम हुआ, अगर ये पंचांग या एफोमरिस जब भी आप चेक करते हैं उसमें उसने डायरेक्शन चेंज किया डायरेक्ट से रेट्रोगेड ये पॉइंट पे, तभी से उसकी कंडीशन चेंज होती है, टिल आज तक चालू है, बराबर। तो कंडीशन हो गया। एक दूसरा भी एक पॉइंट ऑब्जर्व किया था कि 1998 में, वो अभी वो रिसर्च पॉइंट ऑफ इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, कि उसने सामने से जाके काम मांगा था मोहब्बत पिक्चर का, बराबर। वो दूसरी कंडीशन थे, वो टेक्निकल अलग एस्पेक्ट इसमें नहीं ले रहा हूँ, जो कंडीशन रेट्रोगेड के साथ कनेक्टेड नहीं है तो नहीं लिया, लेकिन इन्हें मतलब ये फैक्टर है। तो बहुत सारे फैक्टर्स है कि ये कंडीशन है। अभी इसका रिलेटेड और एक चार्ट रख रहा हूँ, बराबर, इसमें कुछ क्लियर आपका ग्राउंड। ये दूसरा जो चार्ट है उसमें भी शनि रेट्रोगेड है। ये शनि ऐसे में लौटते हुए कुछ नहीं कर पाया, सब कुछ मिलने के बाद गुरु चेंज किया, स्टैंडस्टिल हो गया। ये शनि एज इट इज रेट्रोगेड होते हुए, गुरु रेट्रोगेड हुआ, सब कुछ हासिल कर दिया पैरामीटर से। अभी ये कंडीशंस है, यहाँ शनि रेट्रोगेड है, एरिस एसेंडेंट है, मेष लग्न है, बराबर, मंगल दूसरा स्थान में है, चंद्र गुरु बारहवें स्थान में है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, गज केसरी योग, चंद्र से केंद्र में गुरु रहेगा तो, बराबर, गुरु स्वर्ग रही है, सूर्य टेंथ हाउस में है, उसको दिग्बल है, बुध शुक्र नाइन्थ हाउस में है, बराबर, ये सब सिचुएशंस हैं। बावजूद उसके पास करियर एस्पेक्ट्स एज एन टूडे नील है, एज एन टूडे उसके पास सब कुछ, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, स्टेटस है, क्रेडिट है, सब कुछ है, लेकिन ये चार्ट के अंदर कंडीशंस उसकी एज एन टूडे इतने अच्छी नहीं है, बराबर। तो उसका वन ऑफ रीजन्स रेट्रोगेट सनी, लॉर्ड ऑफ 10th 11th रेट्रोगेट सनी, लग्न पर भी ट्रस्टी कर रहा है और यहाँ भी ट्रस्टी कर रहा है सूर्य के साथ उसके साथ, और ये कंडीशंस उसकी जातक की जब तक एज 54 नहीं हो जाती तब तक वो मेरे हिसाब से राइज नहीं करेगा। ये मेरा एक अंदाज है कि 54 एज हासिल नहीं करेगा तब तक वह राइज नहीं करेगा। उसकी बर्थ डेट है 5/2/76 और
ये एज 53-54 आने के लिए अराउंड 2028-29, ये चार्ट है अभिषेक बच्चन का, ये चार्ट है अभिषेक बच्चन का। जब तक वो सनी रेट्रोगेड है वो डायरेक्ट होता है 28 मार्च 1976 में, इसका मतलब अराउंड 2028-29 के बाद ही वो एज ऑफ 53-54 के बाद कैरेक्टर रोल जो भी करना है वो कर सकता है। टिल दैट एज उसके पास कंडीशन डाउटफुल है, नहीं आगे बढ़ सकता। तो वन ऑफ द रीजंस ये जो सनी या तीनों क्लियर, तो ये कॉम्बिनेशन जा रहा है कि यहाँ सनी सपोर्ट कर रहा है, यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ सपोर्टिंग ग्राउंड पे अटका के रखा हुआ है, बराबर। तो जब तक ये कंडीशन है कि ये सनी जब तक डायरेक्ट नहीं लगा तब तक उसे रिजल्ट मिलने की कंडीशंस नहीं है, और वो कंडीशन आती है उसकी एज अराउंड 53-54 होगी, तब उसकी कंडीशंस आगे राइज बढ़ती है, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो हम कुछ भी चेक करें किसी भी तरह, बाकी सब पैरामीटर्स रोल प्ले करते रहेंगे उसके ना नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट हम देख रहे हैं कि जो ऑब्जर्व करते हैं कि जो आने वाला है कंडीशंस, उसमें वन ऑफ द पैरामीटर ये फैक्टर्स को भी हमें ध्यान में लेना चाहिए। ये कंडीशन है, एनी क्वेरी इसके बारे में? मैं आपको देखो, आज हमारा जो लेक्चर है ओनली वक्रीकरण के हिसाब से, मैं यहाँ दशा नहीं ले रहा हूँ, प्रोग्रेशन नहीं ले रहा हूँ, केपी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं ले रहा हूँ, कोई नक्षत्र नहीं ले रहा हूँ, नहीं सर्वोत्तम चक्र ले रहा हूँ, नहीं अष्टक वर्ग ले रहा हूँ, कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, कोई भी कंडीशन नहीं ले रहा हूँ। अगर वो सब पैरामीटर रखा तो ये लेक्चर यहाँ खत्म नहीं होगा। एक कुंडली के लिए उसको सारे फैक्टर चाहिए। अभी अभिषेक बच्चन की एक कुंडली में सपोर्ट, तो अभी जो वक्री 2020 में हो रहा है, नहीं आपको वही बात बता रहा हूँ कि देखो ये जो वक्री की बात करता हूँ ये जन्म कुंडली की वक्री है, जो डायरेक्ट कुंडली की बात करता हूँ वो प्रोग्रेसर्स की बात करता हूँ, गोचर की बात नहीं करता हूँ। गोचर को कॉम्बिनेशन सबको कॉमन हो जाता है, ये गोचर का रोल नहीं करता हूँ। जन्म कुंडली के साथ अभी जो प्रोग्रेस कुंडली का कॉम्बिनेशन वही रोल प्ले कर रहा हूँ, बाकी गोचर की कंडीशन देखते हैं तो वो रोल अलग अलग प्ले कर देगा। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, आई थिंक यू मिस्ड द कंडीशन वन चार्ट रिगार्डिंग धीरूभाई अंबानी। In Dhirubhai Ambani, we discussed that Mars was deposited in Leo sign in the 9th house, okay? Mars was direct that time, okay? After the date 25, means around 1957, Mars get the retrograde and started his adventure, okay? So, in birth chart, Mars was direct, okay? After that, 1957, in progress point of view, Mars gets retrograde and giving the result started. So, even though planet is direct, and becomes retrograde, it doesn't mean it is negative. It may give positive result as per chart. Just as we have seen in the Dhirubhai Ambani chart, Mars was there, being a lot of 12 and 5, which was Sagittarius, and Sun, Moon was together, Saturn was here, and Mars is connected with that factor, it was given the result. Clear? Or koi? मैं दशा की बात नहीं करता मैडम, मैं आपको वही बताऊं, दशा में पता नहीं चलता है। इसके लिए आपको पहले बताया कि जब भी जीसी की पत्रिका बनाते हैं उसके साथ कंटिन्यूस 2 या 3 महीने का पेज ग्रह का आप अटैच करके रखिए तो मालूम हो जाएगा। और एक दिन इज इक्वल टू 1 ईयर के हिसाब से बहुत अलग भी पैरामीटर दूसरे भी है, लेकिन ये सिंपल बता रहा हूँ कि ये फैक्टर्स को आप चेक करते जाइए, उसमें अगर कोई प्लानेट उसकी डायरेक्शन चेंज करता है मार्केट, तो आपको मालूम होता जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। डायरेक्ट दशा से मालूम नहीं होगा, आप सीधा कुंडली पे से सीधा दशा पे जंप करते हैं, दशा के साथ ट्रांजिट इफेक्ट कर ले लेते हैं और रिजल्ट कोशिश करते हैं, लेकिन ये रिजल्ट वहाँ नहीं जाता है। क्या बताऊँ, नहीं ये गोचर नहीं है मैडम, देखिए नहीं देखो ये बताता हूँ। अभी ये जो मैंने बताया बराबर कि ये फैक्टर्स बताया, अभी ये जो फैक्टर्स बताया कि अंदर अंदर क्या होता है,
अभिषेक है, ये पहले किया हुआ है। यहाँ जातक का जन्म क्या है, 4659 बराबर है। अभी 59 जून जुलाई अगस्त पंचांग के पाने आते हैं, उसमें आप 20 जुलाई 59 को देखेंगे बराबर है, और 23 जुलाई 59 को देखेंगे कि यहाँ मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो गया, बुध वहाँ रेट्रोग्रेड हो गया। तो 23 जुलाई 59 बर्थ डेट क्या है, 4659 बराबर है। दिलीप भाई काटना को देखिए, ये 4-6 बराबर है। तो जून महीने के 30 दिन रहते हैं, तो 4 से स्टार्ट किया तो 27 दिन रह गए, ये जून के 27 दिन रह गए। ये 20 जुलाई तो 20 दिन, और ये 23 जुलाई, टोटल कितना हो गया, 50। अभी बर्थ डेट है 4-6-59 2009। तो ये जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो गया उसकी इफेक्ट उससे 2009 में स्टार्ट हो गई। तो 2009 से उन्होंने जो डिसीजन लिए, जो भी डायरेक्शन लिए बराबर है, वो उसे नेगेटिव इम्पेक्ट करते गया। तो यहाँ मर्क्यूरी लॉर्ड ऑफ ये कंडीशन में आ गए, लॉर्ड ऑफ 6 और 9 बराबर है, वो कंडीशन उसे रोल प्ले करते गया। मर्क्यूरी इज स्पेक्युलेटिव प्लैनेट इन द 5th हाउस इन अर्थी साइन, तो वो उसका कैलकुलेशन टोटली फेल होते गया। यहाँ तो हम जैसे बोलते हैं कि मर्क्यूरी शुभ प्लैनेट है बराबर, ईयर में काउंट करते हैं, जितना दिन के बाद वो ईयर्स में कन्वर्ट होता है, बाद में उसके इफेक्ट वो साल में स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ बुध शुभ होते हुए प्लैनेट भी उसके इम्पेक्ट क्यों हो गई, स्पेकुलेटिव जो टेंडेंसी थी यहाँ वो रोल प्ले कर गई, और वो फैक्टर्स उसे नेगेटिव इम्पेक्ट देते गया बराबर, जो कंडीशन आ गए तो इस हिसाब से काउंट हो गया। यस मैडम आपका क्वेरी, एट प्रेजेंट से आई एम जस्ट गिविंग द इम्पनेस व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेट्रोग्रेड प्लैनेट। सपोज बाय बर्थ इट इज देयर, देन व्हाट इज द क्राइटेरिया, इफ इट इज नॉट ड्यूरिंग द बर्थ टाइम एंड सब्सिक्वेंटली इन प्रोग्रेस, देन व्हाट इज द इम्पैक्ट, एंड इफ इट इज नॉट देयर देन डायरेक्टली ट्रांजिट, देयर इज डिफरेंट क्राइटेरिया। सो ट्रांजिट के लिए क्या होता है कि कॉमन एनवायरमेंट हो जाता है, डिपेंड्स ऑन द चार्ट, लेकिन अगर बर्थ चार्ट और प्रोग्रेस चार्ट के अंदर आ गया तो उसकी इम्पैक्ट टोटली चेंज हो जाती है, उसकी इम्पैक्ट टोटली चेंज हो जाती है। अभी मैंने यहाँ चार्ट रखा है, ये केतु है, ये मून है, मंगल केतु, जुपिटर, सूर्य, शनि, बुध, शुक्र।
जेमिनी एसेंडेंट है, केतु सेकंड हाउस में है, चंद्र निष्का है, डेबिटेटेड है, मंगल उच्चका होकर अष्टम स्थान में गया है राहु के साथ, गुरु नाइन्थ हाउस में है, बुध शुक्र सूर्य शनि टेंथ हाउस में। अभी ये जातक की कुंडली में कोई भी ग्रह, ये जो नौ ग्रह लिखे हैं उसमें से कोई रेट्रोगेट नहीं है, यहाँ कोई ग्रह रेट्रोगेट नहीं है, उसको स्कूल में से निकाल दिया कि वो बराबर स्टडी नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, उसको स्टडी करके निकाल दिया, स्कूल में से निकाल दिया बराबर। और रेस्टिगेट करने के बाद उसने अपना स्टडी स्टार्ट किया विद हेल्प ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम मदर साइड बराबर है। और बाद में आप जज कर सकते हैं, ये जो चार्ट है अल्बर्ट आइंस्टाइन का चार्ट है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का चार्ट है कि यहाँ कोई भी ग्रह रेट्रोगेट नहीं है। जैसे मैडम ने पूछा कि जन्म कुंडली के अंदर कोई ग्रह रेट्रोगेट में नहीं है बराबर है, तो जब तक कोई ग्रह रेट्रोगेट नहीं था एज इट इज़ उसे स्कूल में से निकल दिया, इंसल्ट किया, सब फैक्टर्स आ गया। जैसे चंद्र डेबिलेटेड है, दसवें स्थान में सूर्य बुध शुक्र शनि पड़े हुए हैं, बुध का निज भंग योग है बराबर है, लेकिन इनका ये बर्थ डेट है एसएनएल डॉट मर्क्यूरी 8 April 1979, ऑलमोस्ट फ्रॉम द एज ऑफ 25 ऑनवर्ड्स स्टार्ट किया रेट्रोगेट होने का स्टार्ट किया। और बाद उसकी जो गाड़ी चली उनकी, तो वो कंडीशंस ऐसी बनी कि पूरे 1995 से लेके जितना दिन रेट्रोगेट रहा, नोबल पुरस्कार लिया, डॉक्टरेट लिया, रिलेटिव थियोरी दी, बॉर्मेन थियोरी मोशन दे दिए, क्वांटम थियोरी दे दी, सब फैक्टर्स उन्होंने रेट्रोगेट मर्क्यूरी में किया। अभी आप बोलेंगे रेट्रोगेट कंडीशन शुभ क्या शुभ, रेट्रोगेट प्लानेट अभी आप बताएंगे शुभ है क्या शुभ है, जिसको स्कूल के निकल दिया बराबर है। और जैसे मर्क्यूरी लॉर्ड ऑफ एसेंडेंट स्टार्ट टू रेट्रोगेट, उसने अपना रिजल्ट स्टार्ट कर दिया। और वो कंडीशन सेकंड में 79 बाद यहाँ बुध डायरेक्ट हो गया, तो 1905 से लेके 1922 तक आगे भी सब कुछ उन्होंने हासिल कर दिया, डॉक्टरेट से लेके नोबेल प्राइज से क्वांटम थियरी रिलेटिव थियरी ड्रॉनिन मोशन सब फैक्टर्स कवर कर लिया विद इन रेट्रोगेट। और जैसे मर्क्यूरी डायरेक्ट हुआ तो उन्होंने रेजिडेंशन दे दिया, अमेरिका सिटीजनशिप ले लिया, एटॉमिक बम के लिए अमेरिका चले गए, चैप्टर क्लोज हो गया। तो विद इन स्पान ऑफ दिस रेट्रोगेट मोमेंट जब तक रहा एक अच्छी कंडीशन उनको देखे गया बराबर है। तो ये रेट्रोगेट की हिम्मत है, ये रेट्रोगेट की वैल्यू है। हम कुछ भी चार्ट में लिखते हैं तो मार्किंग नहीं करते कि प्लैनेट रेट्रोगेट है कि डायरेक्ट है कि क्या है, हम सीधा लिख लेते हैं क्योंकि हमें क्या है कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर की आदत हो गई है। लेकिन अगर उसकी रियल स्ट्रेंथ देखनी है, इन्फ्लुएंस देखनी है, तो ये फैक्टर्स याद रखिए। ये सब जो चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है, मैं अपने पर्सनल जो मेरी चार्ट आता है उसमें से लिया है। लेकिन आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सेलिब्रिटी के चार्ट, क्योंकि आपके उसको इवेंट्स मालूम है। इसके लिए अगर मैं पर्सनल एडमिशन लाऊंगा तो आपको अननोन हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये सब जो फैक्टर्स ऐसे है कि ये मैंने जो ऑब्जर्व किया आपके सामने इसलिए रखा हूँ कि आपको इसका इवेंट्स फैक्टर्स कुछ मालूम है। तो चार्ट को जब भी देखते हैं तो देखिए यह मंगल निष्का हो गया, आठवें स्थान में चला गया, चंद्र निष्का हो गया, छठे स्थान में चला गया, कर्म स्थान में बुध निज भंग हो गया शनि सूर्य शुक्र के साथ बराबर है स्ट्रगल के साथ, और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो यहाँ एक ही इम्पोर्टेंस पॉइंट है, बाकी सब इफेक्ट फैक्टर्स अलग है, एक ही इम्पोर्टेंस फैक्टर दैट इज अ
रेट्रोग्रेड कॉम्बिनेशन स्टार्ट और उसका टर्निंग पॉइंट, वो टर्निंग पॉइंट अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। जैसे अनिल अंबानी मुकेश अंबानी में देखा कि गुरु शनि दोनों में रेट्रोग्रेड है, एक को डाउनफॉल ला दिया एक को अपर ला दिया। धीरूभाई अंबानी जन्म कुंडली के साथ सब प्लैनेट डायरेक्ट, जैसे मंगल डायरेक्ट रेट्रोग्रेड हो गया, उन्होंने अपना एक अलग विजन चालू कर दिया। अमिताभ बच्चन स्टिल इट इज इन रेट्रोग्रेड कंडीशंस, लेकिन जैसे जुपिटर एग्जॉल्टेड होकर सिक्स्थ हाउस में बराबर है लॉर्ड ऑफ 211, जैसे रेट्रोग्रेड स्टार्ट कर दिया 1975 से, तो कॉम्बिनेशन उसका आगे बढ़ता गया। और अभिषेक बच्चन का सनी एज इट इज रेट्रोग्रेड, कोई फैक्टर्स उसको इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो एज इट इज चल रहा है टिल द एज ऑफ 54 अपने हिसाब से। और आइंस्टाइन की कुंडली में ये फैक्टर्स आ गया। और कुछ क्वेरी सर? हम ये रेट्रोग्रेड कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें मीन वैल्यू आती है और एक रियल वैल्यू आती है, तो एक्चुअल एक्यूरेसी किस पे आती है, मीन पे आती है एवरेज पे कि डेली पे आती है? हम जो पंचांग में एवरेज में जो मीन वैल्यू लेते हैं वो एक कंडीशन आती है, हम हेलियोसेंट्रिक बेसिस पे नहीं आते, हेलियोसेंट्रिक बेसिस पे कभी आपको रेट्रोग्रेड नहीं मिलेगा। यस देखिए ग्रह कुंडली में क्या इफेक्ट करेगा, उसमें दो कंडीशन है, एक तो अपनी जो नैसर्गिक सिग्निफिकेंस है प्लैनेट की वो जाएगी, जो नैसर्गिक कारकत्व है प्लैनेट का, दूसरी एस पर कुंडली के हिसाब से उसे जहाँ जहाँ कनेक्शन है उसको इफेक्ट करेगा, कुंडली के हिसाब से जहाँ जहाँ उसका कनेक्शन है। जैसे धीरूभाई अंबानी में मंगल 9th हाउस में पड़ा है, लॉर्ड ऑफ 5 and 12 है तो वहाँ से स्टार्ट हो गया, बराबर है। अमिताभ बच्चन में कुंडली में लॉर्ड ऑफ एसेंडेंट होके 4th हाउस में पड़ा है, बराबर लग्न का एस्पेक्ट कर रहा है, 12th हाउस का कॉम्बिनेशन लॉर्डशिप है, स्ट्रगलिंग कंडीशन 10th हाउस एस्पेक्ट कर रहा तो वो कंडीशन है। और जुपिटर जो रेट्रोग्रेड कंडीशन स्टार्ट हो गया, जुपिटर बींग लॉर्ड ऑफ 211 इन 6th हाउस एस्पेक्ट 10th हाउस से 2nd हाउस को भी कर रहा है जुपिटर वहाँ से, बराबर, तो उसकी इफेक्ट उसने स्टार्ट कर दी। आइंस्टाइन की कुंडली में मर्क्यूरी ऐसे एसेंडेंट लॉर्ड है, 10th हाउस में पड़ा है कर्मस्थान, उससे पूरा रिसर्च फैक्टर सामने रख दिया, शनि के साथ बुध के साथ शुक्र के साथ, और जुपिटर लग्न पर दृष्टि कर रहा है तो कंडीशन आ गई, बराबर है। मुकेश अंबानी शनि अनिल अंबानी की कुंडली में शनि ऑलरेडी एसेंडेंट लॉर्ड होकर 12th हाउस में रेट्रोग्रेड कंडीशन में गया, जुपिटर जो रेट्रोग्रेड था डायरेक्ट हो गया, पूरा फिनिश कर दिया उसको, जिस डाउनफॉल ला के रख दिया स्टेटस कंडीशन में, वन ऑफ द रीजन दूसरा मर्क्यूरी भी जैसे बताया वो कंडीशन में। तो प्लैनेट इफेक्ट करता है दो तरह से, एक नैसर्गिक कंडीशन जो है और दूसरी कंडीशन एज पर चार्ट उसका जो रिलेशन फैक्टर्स हम जो सीखते हैं वो, अभी वो चार्ट में कैसे इफेक्ट करेंगे सिर्फ इसके पैसे नहीं मालूम होता है, उसके दूसरे भी फैक्टर्स कनेक्टेड करना पड़ते हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंस है कि जनरल कंडीशन में आपको फैक्टर्स मालूम हो जाते हैं कि प्लैनेट की इफेक्ट कहाँ जाएगी। क्लियर बोलो यस वैसे बात सही सी एट ए टाइम यू कैन ऑब्जर्व के मोर देन टू थ्री प्लैनेट्स गेट डायरेक्ट रेट्रोग्रेड इट हैपेंस, लेकिन वो कलेक्टिव इफेक्ट विल स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, ऑटोमेटिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि ये चार्ट था, इसके अंदर अनिल अंबानी के चार्ट के अंदर 3 साल के अंदर जुपिटर डायरेक्ट हो गया, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड स्टार्ट हो गया, दो प्लैनेट साइमल्टेनियसली चेंज द डायरेक्शंस, जुपिटर बिकम विच वॉज रेट्रोग्रेड बिकम डायरेक्ट एंड मर्क्यूरी विच वॉज डायरेक्ट बिकम द रेट्रोग्रेड। तो 2006 के अंदर जो चालू किया था प्लानिंग, 2009 में स्ट्रेटजी चेंज हो गया बिकॉज ऑफ मर्क्यूरी स्पेक्युलेटिव टेंडेंसी, टोटली उसको चेंज करके रख दिया। नॉर्मल रहता है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आती। देखो एक बात समझिए, वक्री ग्रह होना एक एस्ट्रोनॉमिकल जो घटना वही है, उससे कुछ कंसर्न नहीं है। चार्ट पे डिपेंड करता है कि वो जो एस पर बर्थ चार्ट के हिसाब से जो कंडीशंस है आगे जाके उसकी इम्पैक्ट क्या बनेगी, उसके लिए आपको ये सब मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन रेडिकल चार्ट में जो कंडीशन है कि रेट्रोग्रेड है तो ख़राब हो जाएगा कि बुरा हो जाएगा, ऐसी कंडीशन नहीं आती। देखिए जैसे कि ये चार्ट है, तीन महीने का पंचांग या पमरिस आपको जब भी कुंडली निकालते हैं तो साथ में अटैच करके बैठ जाने का,
जैसे जैसे कोई टर्निंग पॉइंट आता है यू टू कीप इट नॉट कि ये साल में कंडीशन आ रही है तो ऑब्जर्व करते जाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि क्या कंडीशन है। देखो प्लानट हम एक बात समझ लीजिए, प्लानट कभी नहीं बोलते कि मैं शुभ हूँ कि अशुभ हूँ, प्लानट कुछ नहीं बोलते हैं। हमारी एटीट्यूड क्या बोलती है, जैसे धीरूभाई अंबानी मंगल 9th हाउस में पड़ा है, बाकी स्थान में पड़ा है, 12th हाउस का लॉर्ड भी है, 5th हाउस का लॉर्ड भी है, पूर्व पुण्य भी है, 12th हाउस भी है, रिस्क लेना है कि नहीं लेना है वो अपने पे निर्भर करता है, बराबर है। तो प्लानट कभी शुभ अशुभ नहीं बनाते, हम कौन से अप्रोच से डिसीजन लेते हैं उसके पर डिपेंड करता है कि कंडीशन कहाँ जा सकती है। उन्होंने अगर रिस्क लिया, कैलकुलेटेड रिस्क लिया तो कंडीशन बन गई, वो नहीं लेते तो ऐसे कंडीशन। तो कहने मतलब कि आदमी पे निर्भर करता है कि उसको क्या करना है, समझे। टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है, इट डजेंट मीन कि इमीडिएटली स्टार्ट होता है, समटाइम्स इमीडिएटली स्पार्क होता है, समटाइम्स इट टेक्स टाइम, लेकिन डेफिनेटली सम न्यू प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड। जैसे टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो गया तो न्यू प्रोसेस स्टार्ट हो गया, लेकिन वो स्पार्क कभी होएगा इट टेक्स टाइम, उसके लिए टाइम लगता है। किसी की इमीडिएटली कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, कभी किसी को टाइम लग जाता है, लेकिन डेफिनेटली सम टर्निंग फैक्टर्स विल चेंज वो एरिया में आता है। तो जो मर्क्यूरी का जो है स्पेक्युलेटिव फैक्टर्स का जो फिफ्थ हाउस का कनेक्शन था वो यहाँ कॉम्बिनेशन नहीं आता था, तो जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो भी प्लानिंग किया एक्सपेंशन वो उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता था, लेकिन जैसे उसने अपना एटीट्यूड चेंज किया लॉर्ड ऑफ सिक्स नाइन इन द फिफ्थ हाउस स्पेक्युलेटिव अर्थी साइन में, तो डेफिनेटली इट विल गिव स्टार्ट टू नेगेटिव इम्पैक्ट, बताइए। और एक चार्ट रखता हूँ, एनीवेयर यू आई डोंट माइंड। ये भी नॉन चार्ट है आपके लिए, अभी जो चार्ट है वो भी नॉन चार्ट है आपके लिए। सन मर्क्यूरी, सन मर्क्यूरी, जुपिटर रेट्रोगेड,
हवे ये जो चार्ट है इंदिरा गांधी का चार्ट है, इंदिरा गांधी अभी यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जो मेन आपको बता देता हूँ कि पर्टिकुलरली फ्रॉम द एज ऑफ 37 ऑनवर्ड्स ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड स्टार्ट हो गया और वापस डायरेक्ट हो गया एट एज ऑफ 56-57। तो ये जो कंडीशन 50-57 इट कम्स 1974 जहाँ से उन्होंने इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू फैक्टर स्टार्ट किया। ये मर्क्यूरी लॉर्ड 3 और 12 कोर्ट का जजमेंट आने के बाद 74-75 से ऑनवर्ड्स ये फैक्टर स्टार्ट किया। और दूसरा जो वीनस यहाँ है डायरेक्ट है वो एज ऑफ 63 रेट्रोग्रेड हो गया। 63+17 1980 में डेथ ऑफ संजय गांधी, डेथ ऑफ संजय गांधी 1980 बराबर। तो कहने का मतलब लॉर्ड ऑफ 4th हाउस फ्रॉम द 5th हाउस वीनस रेट्रोगेट। तो ये जो जन्म कुंडली में नहीं है मर्क्यूरी वीनस रेट्रोगेट, लेकिन रेट्रोगेट डायरेक्ट होने के बाद मर्क्यूरी की कंडीशंस रॉन्ग डिसीजंस ऑफ इमरजेंसी बाद में इलेक्शन हार जाना 1980 में वीनस लॉर्ड ऑफ द